सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हुए शो शार्क टैंक इंडिया का पहला सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन इस शो के सभी शार्क की चर्चा लगातार हो रही है। अमेरिकी शो के देसी वर्जन को इंडिया में काफी पसंद किया गया। इस शो की वजह से कई स्टार्टअप्स को संजीवनी भी मिली। शो के सभी जज रातों रात स्टार बन गए हैं। ऐसे में आज हम बात अमन गुप्ता की कर रहे हैं, जिन्हें शूटिंग के दौरान एक बात का काफी अफसोस है। बोट कंपनी के को फाउंडर और CMO अमन गुप्ता ब्रांडिंग के लिए मॉल और एयरपोर्ट पर अपनी कंपनी की टी शर्ट पहनते रहे हैं। हाल ही में अमन ने खुलासा किया है कि वो शार्क के कई एपिसोड में और कंपनी के शुरुआती दौर में एक जैसे कपड़े लगातार पहनते थे। अमन गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर अपनी जर्नी के बारे में पोस्ट शेयर किया है। अमन ने बताया कि क्यों अपनी कंपनी की लोगो वाली टी शर्ट हर जगह पहनते थे, क्योंकि शुरुआती दिनों में अपने ब्रांड का प्रचार करने के लिए उनके पास बजट नहीं था। अमन ने लिखा, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कितने सालों तक बोट टी शर्ट पहनी है। सबसे पहले स्टीव जॉब्स की स्ट्रेटजी की तरह ये समय बचाने में मदद करती है, लेकिन इससे भी जरूरी बात ये है कि मैं इसे ब्रांडिंग के लिए पहनता था। बोट का एक बड़ा लोगो लगाया और इसे मॉल, एयरपोर्ट जैसी कई जगहों पर खूब पहना। इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरे पास अपने ब्रांड का विज्ञापन करने का बजट नहीं था। अमन गुप्ता ने अपनी जर्नी के बारे में शेयर करते हुए लिखा, हर कोई जीरो से शुरू करता है, इसलिए मैंने भी किया। कम खर्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने भी किया। मैं यंग एंटरप्रेन्योर को सलाह देता हूं कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे संसाधनों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने में कभी भी शर्माए नहीं। निवेशकों को खोजने से लेकर ब्रांड की मार्केटिंग और हायरिंग तक मैंने लिंक्डइन पर की है। अमन गुप्ता ने हाल ही में तन्मय भट्ट के चैट शो में बताया कि शार्क टैंक इंडिया की शूटिंग के दौरान हम कुछ दिनों के लिए एक जैसे कपड़े पहनते थे, ताकि मेकर्स इनमें से किसी भी शूट को एडिट और मिक्स कर सके। ये सबसे बड़ा रिग्रेट और बड़ी बात हुआ करती थी। हम हमेशा क्रिएटिव डायरेक्टर के पास जाते और कहते थे कि बॉस, हमारे कपड़े बदल दो, हमसे पैसे ले लो, लेकिन हमारे कपड़े बदल दो। हम खुद बोर हो गए हैं ये पहन के। और अमन गुप्ता की ये बात अब सबको बहुत पसंद आ रही है।